स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 8 के बारे में, जो साइंस सब्जेक्ट की और क्लास 6-7 की है। आज की डेट क्या है, 12/8/2021 से। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी के लिए एक थैंक्स वीडियो आती है हर संडे को, जिसमें आप सभी के कमेंट को शो करा जाता है और आप सभी के कमेंट को शो करते हुए आपका नेम लेते हुए आपको थैंक्स बोला जाता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जो भी सजेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट का टाइटल क्या है। इसका वर्कशीट का टाइटल है न्यूट्रिशन इन अ एनिमल। न्यूट्रिशन इन अ एनिमल टाइटल के अंदर भी क्या है, एक सब टाइटल लिया गया है जिसका नाम क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें लिखा है राजू वॉज सिटिंग गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। राजू जो है तैयार हो रहा था जल्दी जल्दी स्कूल के लिए। सो दे वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट विदाउट प्रॉपरली च्यूमिंग। क्या है, वो खाना चबाए बिना ही बच्चों इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा के खाने को बिना चबाए निगल ले रहा था। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यूमिंग द फूड प्रॉपरली बिफोर इनटेक। उन्होंने बोला कि आप अगर खाना खाओगे, ठीक है, और खाने को ली लेने से पहले क्या करोगे, अच्छे से फूड को च्यूम करना है। तो Would you think they, why did she asked, let us explore। क्या आप ये चीज़ सोच सकते हो कि उन्होंने च्यूमिंग करने के लिए क्यों, यानी खाना चबाने के लिए क्यों बोला। चलिए अच्छा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो पहला क्या है, यहाँ पर बोला क्या गया है, food is taken into the body थ्रू द माउथ। ठीक है, फूड जो है हमारे मुंह के द्वारा बॉडी के अंदर खाया जाता है। द प्रोसेस टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। हमारा खाना जो खाना होता है, ठीक है, और जिससे खाना हमारे पेट में जाता है उस प्रोसेस को, ठीक है। द फूड गेट ब्रोकन इन टू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, दांतों की मदद से हम क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। इट हेल्प इन ईजी इंजेक्शन एज वेल एज डाइजेशन फूड। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से खाने को निगल लेने में क्या है, हेल्प करता है, और डाइजेशन में भी क्या करता है, ये खाने को पाचन में भी बहुत मदद करता है। आवर टीथ वेरी अप्रियंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे टीथ हैं बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के होते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे इन सियोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, कट करता है और बिटिंग करता है, किससे, दांतों को। ठीक है, दांतों के टीथ हैं, ठीक है ये। इसके बाद देखिए कैनियन है, कैनियन क्या करता है, प्रिसिंग करता है और क्या करता है, टीयरिंग करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, ये दांत ऐसा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, एक ऐसा टीथ है जो क्या करता हो, किसी चीज़ की चीड़फाड़ करता हो, उसे बोला जाएगा कैनियन। ठीक है, प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या है, च्यूमिंग और ग्राइंडिंग टीथ होता है, यानी कि जो आपके मसूड़े होते हैं बच्चों, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे जैसे ही। ठीक है, आपको इस पिक्चर में, चलिए मैं दिखाता हूँ, देखो ये कहलाते हैं कैनियन टीथ। ठीक, और ये वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलर। ये क्या करते हैं, खाने को चबाने और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है एक मोलर टीथ, जो प्री मोलर की तरह ही काम करता है, बस ये होता है उसकी जो स्पेस होती है ऊपर की वो ज़्यादा होती है। जैसे ये तीन टीथ हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी च्यूमिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें क्या दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे इसमें बोला गया है माउथ, आवर माउथ हैज़ सलेवरी ग्राइंड्स। ठीक है, विच सीक्रेट सलाइवा। ठीक है, जो हमारे ग्रैंड्स होते हैं, जो हमारी माउथ में टंग होती है, टंग में जो टंग के नीचे जो हमारा पार्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, सलेवरी ग्रैंड होता है, ग्लैंड होता है, जो क्या करता है, सलाइवा देता है। और दिन भर में 4 लीटर हमारे मुंह में थूक बनती है बच्चों, पता है आपको, 4 लीटर थूक बनती है। और सलाइवा ब्रोक डाउन स्टार्च इंटू शुगर, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में क्या कर देता है, बदल देता है। वी एक्सपीरियंस इट इफ़ वी च्यूम अ पीस ऑफ ब्रेड समटाइम्स व्हेन सलाइवा मिक्स्ड प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीट। अगर हम क्या करें, किसी ब्रेड को बहुत देर तक या किसी रोटी को क्या करें, बहुत देर तक हम चबाएं, चबाते रहें, उसको ली लेना नहीं है बच्चों, चबाते रहिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रोटी आपको कैसी लगने लग जाएगी बच्चों, मीठी लगने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें सलाइवा मिल चुका होगा।
लेट डू इट योर होम। अब इस काम को आपको क्या करना है, अपने घर पर करना है, चबा के देखना है आपको रोटी को। ठीक है, आइए बात करते हैं टंग के बारे में। तो द टंग इज़ अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अटैच एट बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो बकल कैविटी है हमारे गले में, जो एक फूड पाइप जो पाया जाता है उसी जगह पे होती है बकल कैविटी। ठीक है, वहाँ पर जो है आपका जो फ्लोर है उससे क्या होती है, कनेक्ट होती है। एंड हैज़ बड टेस्ट बड्स होती हैं जो डिकेट करती हैं किसको, टेस्ट को। हमारी टंग में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो टेस्ट कर डिके करती हैं किसके, मतलब टेस्ट को दिखाती हैं टंग पे। ठीक है, जैसे ये आगे का जो टंग का पार्ट होता है उस पर स्वीट यानी कोई मीठी चीज़ खाओ अगर आगे टच हो गई तो बहुत ही ज़्यादा पता चलने वाली है। लेमन जो सौर होता है, जो यानी कहने का मतलब है जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे नींबू हो गया और भी चीज़ें हो गई, ये जो है हमारे साइड्स की जो टंग की स्पेस होती है वहाँ ज़्यादा पता चलती है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें सेल्टी यानी कि चिकनेपन के बारे में बात करें तो ये आपको यहाँ पर जो है पूरा पता चलता है इस जगह के हिस्से पे। ठीक है, इसके बाद अगर बिट्टर की बात करें कड़वे की, तो यहाँ पर क्या है, कड़वी चीज़ हमें पता चलती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्या दिया गया है। तो बच्चों आगे इसमें बोला गया डेंटल केयर गुड हैबिट, यानी दांतों की केयर करना क्या है, बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो ऑन इट। अगर हम क्या करें, कुछ भी खाने के बाद अपने टीथ को या माउथ को क्या करते हैं, हम साफ़ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो उस पर क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया डाउन द शुगर प्रेजेंस विद द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज्ड एसिड। क्या आती है, बैक्टीरिया जो शुगर की प्रेजेंट होती है फूड के ऊपर उसको एसिड में कन्वर्ट करने लगती है, और वो एसिड क्या करता है, वो एसिड करता है ग्रेडली डैमेज द टीथ, और वही एसिड हमारे टीथों को डैमेज करने लगता है और कॉल्ड इज टूथ डिके। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, दांतों के डिके बोलते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ ब्रश, ठीक, दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड राइजिंग आवर माउथ आफ्टर एवरी माइल। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें डेली दो बार दिन भर में ब्रश करना चाहिए और अपने माउथ को कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, वाई शुड वी हैव च्यूम अ फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। तो ऐसा क्यों है, पहले आप यहाँ से लिखिएगा वी शुड च्यूम फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, इसके बाद जहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है वो लिख लेना है। ठीक है, इसका फिर आगे से आप लिखोगे यहाँ पर बच्चों। ठीक है, फूड ब्रेक डाउन स्मॉल पीसेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे, इसको लिख लोगे आंसर नंबर वन में, उसके आगे लिखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला बोला गया है हाउ कैन वी टेक केयर अवर टीथ, हम अपने टीथों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर दोगे, लिख दोगे, ये आंसर नंबर दो हो जाएगा। तीन देखते हैं क्या बोला गया, हमसे बोला गया राइट डाउन द फंक्शन ऑफ, ठीक है, वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबके एक एक फंक्शन लिखने हैं। जैसे सलेवरी ग्लैंड का है तो सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दोगे, इसका आंसर नंबर क्या हो गया, थ्री के फर्स्ट का आंसर ये हो गया। इसके बाद आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया बच्चों, आगे देखो दिया गया है टंग दी गई है, टंग का क्या हो जाएगा काम, देखो टंग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप टंग का लिख दोगे तो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर थ्री का सेकेंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे दिया गया है मोलर टीथ। ठीक है, मोलर के बारे में देखो क्या है, तो मोलर है ये, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये थ्री का थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो दिया गया है, इसके बाद दिया गया सलाइवा। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, सलाइवा के बारे में, तो सलाइवा के बारे में क्या हो जाएगा, वो यहाँ से लेकर आप क्या कर दोगे, यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर थ्री का फोर्थ। ठीक है, ये आंसर नंबर थ्री का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों आपकी वर्कशीट होती है यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी जो है कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।